हेलो गाइस, वेलकम टू सैम गेमिंग। टी टू स्क्रीम्स मैच नंबर 6, हमारे इस वीक का लास्ट गेम टी टू का। मेरा मार्ग हमारा मैप 11 टीम 40 प्लेयर्स प्लेन पार टोरी अहमदा टू टीम वेले दिलमार। जी हाँ, टीम्स की बात करो तो टीम एच फोर के वानम मेजर रो सी एच बी 2.2 रेडिकल डायर रेस साइबर बोब एंड फोनिक्स। 11 टीम्स ही हैं, यानी 5 टीम्स ने ये गेम मिस किया है और कुछ प्लेयर्स ने भी। इलेवन टीम्स भी होती तो 44 प्लेयर्स होते, बट एक प्लेयर टीम एच फोर के का शॉट है, एक रेडिकल टारर का एंड दो साइबर के। टीम्स अपने डोबले ने स्टार्ट कर दिए हैं। वाटर ट्रीटमेंट जो कि वैनम जाती है, वहीं पे वैनम जाती है नजर आ रही है हमें। वैनम की सहजी, वैनम माहिम, वैनम साद एंड वैनम फैजान। ऑन द अदर साइड टीम वोब जो शायद से हसेंडा का एरिया जंग यार्ड जाती है, वैसे तो उधर ही कैरी करती नजर आ रही है। और टीम साइबर की बात करें तो वो यहाँ से वो भी साथ में ही है टीम बॉब के, सिवांग कैंडबुरी। हसेंडा जाती है टीम मेजर और वहां पर हसेंडा ही आई है टीम रो। आज टीम रो एजन बॉन्ड लव एंड रो की टीम लोग प्लेयर्स मेन कंपाउंड आते हैं। हसियांडा की टीम मेजर अपना गेम शायद से काम नहीं करना चाहती थी, वह वहाँ पर आसपास के कंपाउंड लूट करते नजर आएंगे इस वाले। दूसरे एक कंपाउंड लूट कर रहे हैं इस वाले एंड मेजर एजम भी इस वाले के कंपाउंड ही जाते हैं वहाँ पे। ऑन द अदर साइड टीम मेजर जाए देन हम दूसरी साइड लूट करेंगे। हाँ, रोके प्लेयर्स की बात करो तो इंस्टेंटली गन पकड़ कर रोके बॉन्ड यहाँ पे डबल गन यहाँ पे एक सॉरी स्कारल एंड M16। सारे प्लेयर्स पे गन हो चुकी है, यानी अच्छी लूट मिल चुकी है। एच फोर के यहाँ पर लॉस न्यूज की ओर क्या करते नजर आएंगे। तीनों ही प्लेयर्स चुमा जीरा लूट करेगी टीम सी एच बी और ड्रॉप फाइट होती हुई रेज की भी मोन्टी किनज में सी एच बी 2.0 के साथ। मोन्टी न्यूवो में यहाँ फाइट होती हुई रेज हिटमैन स्मोकर बिट्टू एंड सोनू। वो फर्क साइबर बुरी गन करेंगे। उधर साइड एक और ड्रॉप क्लैश हमारा टीम साइबर वर्सेस टीम बॉब देखने को मिलता हुआ अभी के लिए बुरी न हुए। इंस्टेंटली फिनिश भी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्लड आउट थे दैट्स वाई यहाँ पे पैरल के साथ फिनिश अप कर दिए जाएंगे। साइबर सिबांग इज लास्ट में सर्वाइवल फॉर टीम साइबर। सामने होगी टीम बॉब के प्लेयर्स, नॉट इजी फॉर दिस एंड टीम रेज की वाइड होती है। रेज स्मोकर को नोक किया, इंस्टेंटली फिनिश अप कर दिया टीम सीएचबी 2.0 के प्लेयर्स ने। टीम रेज के हेडमैन बिट्टू एंड सोनू तीन प्लेयर्स बचते हैं जो सीएचबी 2.0 से फाइट लेते नजर आएंगे। यहाँ हिटमैन बिट्टू एंड सोनू की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों ही प्लेयर्स की बात यहाँ से करी जाए तो रेज हिटमैन की जो पोजीशन है ये काफ़ी आउट है। मुझे लगा थोड़ा क्लोज है टीम सी एच बी 2.0 के, बट बिट्टू एंड हिटमैन काफ़ी आउट है। दूसरी साइड आउट है रेज सोनू। एलोस न्यूज़ के अंदर ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है टीम एच फोर के और वहाँ पर जोन काफ़ी फेवर कर रहा है तो वो लूट करते नजर आएंगे। लेकिन रो के प्लेयर्स की बात करो तो हसियांडा का मेन कंपाउंड अभी तक लूट करते नजर आ रहे हैं। रेडिकल टारर जो सैन मार्टिन लूट कर रही है। जब रेडिकल डायर के ड्रैकुला ने गेम मिस किया, बाबा हसन एंड डिवाइन तीनों ही प्लेयर्स खेलते नजर आएंगे रेडिकल डायर के लिए। 11 टीम 38 प्लेयर्स स्टिल अलाइव। टीम बॉब की बात करो तो जंग की आर्ट का एरिया वो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं लूट करते करते। लेकिन बॉब के जो प्लेयर्स साइबर सिबांग को सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं वो देखना होगा। वो मर्सी की ओर ग्रेनेड जाता हुआ, क्या ये जी हाँ एक काफ़ी गुड ग्रेनेड था हम साइबर सिबांग की ओर से, बट एक सही जगह पर गिर सकता था, बट मर्सी पीछे हो गया एंड मर्सी ने अपनी साइड से टीम कॉल दे दी है। वो फर्कस उनको ज्वाइन करते हुए शिवांग के लिए अभी तो 1v2 हुई है बॉब के सामने, क्योंकि दो ही प्लेयर्स यहाँ पे हैं मर्सी एंड फर्कस। साइबर शिवांग अपने आप को फुल बूस्ट करते हुए 5 बैंडेज ही बचे हैं, वेस्ट उनके पास नहीं है, हेलमेट उनके पास नहीं है। नॉट अ इजी टास्क फॉर साइबर शिवांग। यहाँ भी आगे टीम्स की फाइट भी स्टार्ट हो गई और एचवे की लूट कम स्टार्टिंग नहीं होगी क्योंकि काफ़ी दूर से यहाँ से व्हीकल्स लेकर गए हैं लॉस न्यूज़। लेकिन एक चीज़ अच्छा भी है वहाँ से पीछे से बॉब के प्लेयर DSR के आते हुए और यहाँ स्पॉटेड हो सकते हैं साइबर सिवांग को, पड़ेगा यहाँ से थॉमसन का स्प्रे उनको। लेकिन मेजर जैद यहाँ नॉक करेंगे रोके बॉन्ड को, मेजर जैद ने नॉक कर दिया है और इंस्टेंटली फिनिश ऑफ स्कारल के साथ डालने का ट्राई। जी हाँ, मेजर हमार वो चीज़ करेंगे रो बॉन्ड को इंस्टेंटली फिनिश ऑफ डालती हुई टीम मेजर। टीम मेजर अपने ड्रॉप पर उनके ड्रॉप पर आने का पनिश देती हुई टीम रोके बॉन्ड को। हाँ, 3 मैन स्क्वाड टीम लोग अच्छी है। रो लव टीम ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा आगे चले गए थे प्लेस को देखते हुए। रो रोकी भी पीछे आते हुए, यानी रो एजर बचे हैं मैन कंपाउंड्स।
सर की बात करो तो जैद को उनका पहला किल मिल चुका है, नोक किया था जैद ने, इनसाइड फिनिश हो गया हमाद ने, बट दूसरी साइड साइबर सिवांग अकेला प्लेयर जो बचा था वो बॉब मर्सी उसका किल कन्फर्मेशन लेगा नहीं। टीम साइबर गेट एलिमिनेटेड, पहली टीम इस गेम की हमारी एलिमिनेट होती हुई। एड नंबर फर्स्ट एम के मशीन का लेवल 3 हेलमेट वेस्ट और एक फर्स्ट एड, एक एयर सप्रेसर टीम वानम के खाते में आएगा ये प्लेयर रो। टीम रेज यहाँ से निकाला जाता है, रेज बिटू, रेज हिटमैन, रेज सोनू एंड शायद से हिटमैन भी बैठने वाले हैं, दैट्स व्हाई टीम रेज यहाँ से फुल बैक कर देने जाएगी मोंटोनियोवो से। बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं हम यहाँ पर, टीम फोनिक्स के प्लेयर्स लाकोब्रिया का एरिया लूट कर रहे हैं अभी के लिए, लूट ही करते रहेंगे यार। सीज बी 2.0 तो नॉर्मली टोरी अहमदा लूट करती थी बट आज उनका ड्रॉप चेंज दिखा है हमें। फैरो के 3 प्लेयर्स बचे हैं, रो लव, रो रोकी, रो एजन, यहाँ से ना मैन कंपाउंड लिए बैठे हैं वो, धीरे धीरे कर एक रिज पे आ चुके हैं जी, रिज नहीं ऑलमोस्ट क्लोज आ चुके हैं, बिल्कुल कंपाउंड्स आ चुके हैं टीम मेजर के प्लेयर्स मेजर जैद एंड हमाद धीरे धीरे कर क्लोज कर चुके हैं। और अदर साइड बात करो सवाले एंड एजम की तो वो भी यहाँ M60 लेके पीछे से टीपी भी लिए बैठे हुए हैं, मेरे सवाल के पास है स्कारल, एक फ्लेयर ड्रॉप टीम रेडिकल टेरर के खाते में भी आता हुआ सैन मार्टिन के अंदर, ओम एंड ग्रोजा लेवल 3 हेलमेट वेस्ट आएगा इसके अंदर, एयर सप्रेसर एक मेड किट भी आएगी, टीम रेडिकल आयस को लूट करते नजर आएगी। एयर नंबर थर्ड जो आएगा वो हमारा नॉर्मल ड्रॉप आने वाला है, यहाँ काफ़ी टाइम हो गया गेम को। मेजर एजम यहाँ से M16 के साथ नोक निकालने का ट्राई, सामने प्लेयर्स स्पॉटेड थे थोड़े बहुत वहाँ पे, मेजर साले का पड़ेगा वहाँ पे स्कारल का स्प्रे। टीम मेजर बिजी रखती हुई टीम रोके प्लेयर्स को, रोके लव, रोकी एंड एजन तो पीछे फ्लैंक करके जाते हुए मेजर एजम को स्पॉट कर चुके हैं, रोके एजन मिनी 14 के साथ से नोक निकालने का ट्राई करेंगे लेकिन रो के पीछे जाते हुए, लव भी पीछे जाते हुए, हमाद एंड जैद इन दो प्लेयर्स का जो फ्लैंक है वो कितना काम करके लेके जाएगा अपनी टीम को। जी हमाद अपर साइड चढ़ चुके हैं, धीरे आगे जा रहे हैं या छत भाई छत आगे जा रहे हैं मेजर के हमाद, शायद से रोके एजन यहाँ उनके साउंड सुन चुके हैं दैट्स व्हाई वो होल्ड करते हुए, या रो लव एंड रोकी रुकेंगे पीछे से, रोके प्लेयर्स रोके एजन को साउंड आ गया दैट्स व्हाई वो क्रॉस शायद से नहीं करना चाहेंगे, इतना रिस्क नहीं लेना चाहेंगे लेकिन मेजर के फ्लैंक्स, मिस्टर फ्लैंकर क्या फ्लैंक करते हुए, मिस्टर फ्लैंकर जी वेरी सॉले आई थिंक सो यहाँ पे फ्लैंक कर रहे हैं। लेकिन एयर ड्रॉप नंबर 4 की बात करो, मैंने कहा था नॉर्मल ड्रॉप आएगा एयर ड्रॉप नंबर 3 को बोला था, वैसे एम के एन ओग आएगी लेवल 3 हेलमेट वेस्ट के साथ, सी एच बी 2.0 ने मंगाया ये फ्लेयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप नंबर 3 नॉर्मल ही ड्रॉप आता हुआ जैसे मैंने बोला था, फर्स्ट नॉर्मल ड्रॉप ग्रोजा लेवल 3 हेलमेट वेस्ट बैकपैक के साथ आएगा मेजर और रो की फाइट में, मेजर के लिए एक लालच आएगा ये और ये शायद से जी हाँ किसी भी प्लेयर के मेजर पास नहीं है लेकिन मेजर के प्लेयर्स क्लोज आते हुए, लेकिन बॉब थोड़ा बी टी डालेगी आई थिंक सो, बॉब पीछे से बीडी डाल सकते हैं बॉब के दो पूरी टीम यहाँ मेजर के लिए, मेजर के सवाल ले पीछे से कवर लेते हुए बिल्कुल यहाँ से व्हीकल्स के साउंड आ चुके हैं दैट्स व्हाई यहाँ पे मिराडो पे पहुंच चुके हैं मेजर के एजम जी हाँ, मिराडो जो कि वहाँ रहती है मिराडो वो ये हमारे टीम मेजर हमाद नजर आते हैं। हाँ सर ने काफ़ी करीब से रोटेशन जा रहा है लेकिन टीम रो के पास रुक गया ये रोटेशन टीम बॉब का, तो यहाँ मल्टीपल फाइट्स होती नजर आएंगे जी हाँ, बिल्कुल वही चीज़ होती है बॉब डीएसआर के को स्पॉटेड कर लिया रोके प्लेयर्स ने, रो रोकी बॉब डीएसआर के को नॉक करेंगे विद आ स्टारल और शायद से बॉब की टीम अब फाइट तो लेगी क्योंकि यहाँ से एक प्लेयर नॉक हुआ है, इसको बचाने का ट्राई तो जब तक रहने वाला है जब तक वो फिनिश ऑफ नहीं हो जाए। फर्कसन का जामा यहाँ पे एडीएस रखे हुए थे अपना एंड उसी के साथ बॉब के मर्सी ने क्रॉस कर लिया एंड बॉब डीएसआर के को रिवाइव यहाँ पे दिया जा रहा है। 10 टीम 35 प्लेयर्स बचे हुए, रो लव का ग्रेनेड आएगा बट इतनी आधा थोड़ा बहुत पिक्चर रह गया ग्रेनेड दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई नुक नहीं निकलेगा वैनम के प्लेयर्स वाटर ट्रीटमेंट का होल्ड करते हुए। 10 टीम्स बची हुई है, टीम रेज की फाइट होती हुई यहाँ से, टीम रेज शायद से लूट करके गई फाइट लेने के लिए लेकिन रेज के बिट्टू नोक हो जाते हैं, सोनू एंड हिटमैन बचे हुए दो प्लेयर्स बचे हुए हैं, इस कार के साथ पीछे से कवर फायर दे रहे हैं रेज के हिटमैन स्पॉट करेंगे सेन वाइट टी को बट खुद भी नोक हो जाएंगे सैडीडक जी की ओर से, रेज सोनू यहाँ बचे हुए लास्ट प्लेयर सर्वाइवल, टीम सी एच बी 2.0 पूरा चार्जिंग करते हुए सैडीडक जी उनका किल लेते हुए, टीम सी एच बी 2.0 के सैडीडक जी बहुत अच्छी 3 किल्स उठाते हुए यहाँ से 4 किल्स होते हुए उनके 1v3 करते हुए सैडी रख जी। 1932 प्लेयर्स बचे हुए हमारे,
या फर्स्ट जोन क्लोज नहीं हुआ है, 32 प्लेयर्स बचे हैं, 9 टीम्स बची हैं जिनके अंदर एच4 के प्लेयर्स लॉस नहीं हुए, सभी भी लूट करेंगे रियोगा स्मोक की राइडर के साथ। इससे लास्ट गेम जो हुआ था उसमें एच4 के रियोगा ने 1v3 निकाला था सीएचबी 2.0 के अगेंस्ट एंड लास्ट किल लिया था, तो चिकन दिलाया था अपनी टीम को 9 किल्स के साथ। फिलहाल सीएचबी की बात करो तो 3 मैन स्क्वाड या 4 मैन स्क्वाड बाय जीटो अभी जिम टोपिया बुडबोबी एंड बिच्छू, ये चारों प्लेयर्स चुमा जिला के अंदर होल्ड करे हुए हैं। बाकी मल्टीपल फाइट्स तो हमें यहाँ नजर आने वाली है क्योंकि यहाँ पर 3 टीम्स तो हसीअंडा के अंदर ही हैं। सैन मार्टिन में रेडिकल डाल रहा है तो वहाँ पर टीम वानम का रोटेशन भी जा रहा है तो वो भी एक फाइट हो सकती है। फिलहाल मेजर स्क्रीन प्लेयर्स तो होल्ड करेंगे, पहला किल अपना ले चुके हैं पीछे से मेजर हम्माद मिनी 14 के शॉट्स दे रहे थे। या टीम बॉप के प्लेयर्स तो यहाँ से निकल चुके हैं लेकिन रो लव रोकी एंड एजन अभी भी तीनों प्लेयर्स इनके पास निकलने का बहुत कम ही चांस है क्योंकि व्हीकल उनके पास है नहीं, पीछे ओपन में जाएंगे तो थोड़ा मेजर की ओर से पड़ने का डर, दैट्स व्हाई यहाँ पे होल्ड करे रहेंगे टीम रो के तीनों ही प्लेयर्स एक कंपाउंड के अंदर। वैनम के रोटेशन की बात करो तो वैनम का रोटेशन भी ऑलमोस्ट इनके पास ही है एंड सैजी हसन को सपोर्ट कर चुके हैं, स्कारल है, स्कोप नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे शायद से स्प्रे नहीं दिया सैजी ने, लेकिन आगे फाइट हो जाती है। टीम बॉब के प्लेयर्स टीम रेड कलर के प्लेयर्स को मारते हैं तो व्हीकल लेके वो अपनी वापस करते हैं टीम रेड कलर के प्लेयर्स, लेकिन यहाँ से डिवाइन रुके हैं फाइट लेने के लिए, सामने बॉब के प्लेयर्स स्पोर्टेड है वैनम के सैजी को, लेकिन डिवाइन भी यहाँ पर एक रिच पे रुके हुए या 4x M4 के साथ डिवाइन को शायद से नोक तभी डालेंगे जब हाँ इजी नोक को निकट रहे हो। फिलहाल डिवाइन को यहाँ पे शॉट्स दिए हैं M16 के साथ और डिवाइन को नोक करेंगे वैनम साथ, यार डैमेज यहाँ पे वैनम सैजी का और किल लेंगे यहाँ से वैनम साथ। आई थिंक जो पहला डैमेज तो खैर वैनम साथ गई था विद विदाउट स्कोप, यहाँ से एक अच्छा नोक दिया वैनम साथ ने और इंस्टेंट फिनिश भी। 9M31 प्लेयर्स स्टिल अलाइव, न्यू जोन बन चुका है हमारा, न्यू जोन के अंदर अभी सारी टीम्स हैं, टीम सीएचबी 2.0 सीएचबी और फोनिक्स को छोड़कर 16 मिनट जो है, लेकिन मेजर की फाइट होगी, रो मेजर सवाले का ओपी की नेट करेगा, रो के एजन को लेके जाएगा यहाँ से, रो लव एंड रो की दो प्लेयर्स बचते हैं, क्लोज आना चाहते थे रोकी के ऊपर पूरा स्पॉटेड, लव एंड रो की दो ही प्लेयर्स बचते हैं, मेजर हम मात को पूरा ऊपर से स्पॉटेड कर सकते हैं। M4v6x का यहाँ पर लव का स्प्रे गया है, थोड़ा बीटी सिचुएशन है मेजर हम मात के लिए, बिल्कुल यहाँ से वीडियो होगा क्योंकि कवर में थे रो लव, दैट्स व्हाई यहाँ पे मेजर हम मात गेट नॉक डाउन। बढ़िया से एजम इंस्टेंट रिवाइव देने के लिए आए हैं या क्लोज जाएंगे फाइट के, लेट्स सी यहाँ पे क्योंकि 2v2 फाइट है, सॉरी 3v2 रहेगी फाइट अभी के लिए, लेकिन ग्रेनेड आएगा मेजर जैद का, मेजर जैद की और सॉरी रोकी का, और यहाँ से सवाले अपने आप को हील करते नजर आएंगे और अभी के लिए एजम की बात करो तो वो रिवाइव देने भी नहीं गए हैं, लेट्स सी यहाँ पर मेजर सवाले हैं और एजन का किल करने में चलेंगे। रो के रो की अपर साइड चढ़ चुके हैं और लव आ चुके हैं पीछे की साइड, यानी कि थोड़ा मेजर यहाँ से फंसती हुई मेरे जैद नोक पड़े हुए, उनको रिवाइव यहाँ पे दे देंगे, लेकिन सवाले को थोड़ा बीटी पड़ सकता है, बिल्कुल यहाँ से पड़ेगा रो लव, उनको नोक करेंगे इंस्टेंटली, गन स्विच कर होल्ड करे हुए हैं, किल कन्फर्मेशन भी ले लेंगे मेजर के सवाले का, जैद ही रिवाइव हो चुके हैं यानी कि हील करेंगे अपने आपको मेजर के एजम यहाँ अपने अब देखते हैं लव सॉरी जैद एंड एजम किस तरीके से फाइट लेते हैं। जैद आए हैं बाहर की साइड, लेट्स सी यहाँ पर एक जगह होल्ड करे हुए लव कितने तक सिचुएशन करते हैं, ज्यादा आते हुए क्लोज में लेकिन लव की पड़ेगी उनको फिर से जैद की और टीम मेजर गेट एलिमिनेटेड। रोकी अपर साइड चल के कवर दे रहे थे और रोकी लव पूरा एक जगह होल्ड करे हुए थे, 3 किल्स यहाँ से रो लव उठाते हुए, 1 किल मिलेगा यहाँ रोकी को। 8 टीम्स 26 प्लेयर्स स्टिल अलाइव एंड जोन के अंदर है ये सारी टीम्स जिसमें फोनिक्स और सीएचबी को छोड़कर, या 4 किल्स टीम लोगों के पास होते हुए यहाँ से अभी के लिए देखते हैं आगे। ग्रेवयार्ड का एरिया टीम वैनम हो या पिकाडो के अंदर टीम बॉब है, टीम रो अपना हसीअंडा का एरिया भी लूट करेगी क्योंकि यहाँ से अभी फाइट निकली है, रेडिकल टारगेट प्लेयर्स हसीअंडा के लेफ्ट हैंड साइड होल्ड करके बैठे हुए हैं और अदर टीम फोन इसका रोटेशन चालू है क्योंकि आउट ऑफ द जोन है, टीम सीएचबी भी रोटेट करती नजर आ रही है क्योंकि वो भी आउट ऑफ द जोन है, टीम सीएचबी 2.0 एक प्लेयर अपना खो चुकी है। क्या रिच की फाइट में खोया? जी हाँ बिल्कुल, रिच बिट्टू को मिला था वो किल, 3-1 स्क्वाड दे दी थी, एक प्लेयर रेज की फाइट में यहाँ पे गया है टीम सीएचबी 2.0 का। फिलहाल तो बॉब वर्सेस वैनम देखने को मिल सकता है, काफी क्लोज में है वो, फर्कस को काफी डैमेज दिया गया है, बैंडेजेस लगाते हुए नजर आ रहे हैं बॉब के फर्कस, या काफी लॉन्ग रेंज यहाँ पे फाइट है तो दैट्स व्हाई यहाँ पे एक नोक पे तो पुशिंग नहीं होने वाला।
और वैनम के प्लेस होल्ड कर रहे हैं अभी के लिए, वैनम माहिम के पास है, एस के एस वहीं से नोक निकालेगा ट्राई विद 4x। वो डी एस आर के कंपाउंड वो भी बैठे हुए हैं वहाँ पे स्पॉटेड थे वो भी, लेकिन यहाँ अपोनेंट से मिनी 14 क्या सॉरी कानन डिट क्या है M24 चला देने जरा कजामा M24 विद 6x। यहाँ से शॉट देने का ट्राई वैनम फिजान को शायद से स्पॉट कर लिया है, लेट्स सी यहाँ पर अभी के लिए वैनम सहजी अपनी बग्गी लेकर पीछे की साइड जाते हुए, और कजामा का यहाँ पे एक शॉट पड़ा था लेकिन यहाँ उससे कुछ ज़्यादा होगा नहीं। वैनम के प्लेयर्स रोटेट करते हैं यहाँ से, अपना एक अलग व्यू लेना चाहते थे उनसे, इस वाइट को यहाँ से करेंगे इग्नोर। बाकी टीम्स भी रोटेट कर रही हैं, सी एच बी के प्लेयर्स रोटेट करते नजर आ रहे हैं, लॉस न्यूज़ के अंदर एच फोर के रोटेट कर रही है, लॉस न्यूज़ से लूट करके फोनिक्स के प्लेयर्स पावर ग्रिड आ चुके हैं रोटेट करते करते, वो अब आगे जो उनमें देखते हैं कहाँ से जाते हैं किधर जाते हैं। फिलहाल रेडिकल टारगेट दो ही प्लेयर्स मौजूद हैं यहाँ पे, एक प्लेयर तो यहाँ बिल्कुल वैनम को गिल मिल चुका है उसका, बाबा एंड हसान दो प्लेयर्स बचते हैं यहाँ से टीम रेडिकल टार के पास। वैनम एक फ्लेयर ड्रॉप मंगा दी हमने, दैट्स व्हाई शायद से फ्लेयर ड्रॉप की वजह से ही फॉल बैक हुआ था वहाँ। एक गेट ऑप की गन से लूट कर लड़ते नजर आएगी ओग एंड ओम, इसके अंदर अलेवल थे हेलमेट और वेस्ट के साथ, या एक नॉर्मल ड्रॉप आके गिरा है जो एस फोर के लूट करने के लिए आई है। स्मोकी ग्रोजर नहीं पिक किए हैं क्या, योगा पिक करने वाले जिन्हें योगा भी नहीं किए हैं तो राइडर पिक करेंगे यार, योगा भी अभी देखने को मिलेगा हमें। लेकिन सी एच बी के प्लेयर जो सामने एच वर्क के, क्योंकि वहां से ड्रॉप्स आए हैं दो ड्रॉप आए हैं यार, रियो को थोड़ा फंसते हुए अंदर आ सकते हैं, या नोक हो गए तो बहुत ज्यादा बीटी हो जाएगा उनके लिए। लेकिन स्मोक कर कर अपने व्हीकल बचाने का ट्राई है, यहाँ से निकलने का ट्राई होगा अभी के लिए, रियोगा को हील भी करना है, उनके पास एक मेड किट है वही वहां पे यूज करते हुए। दो एयर ड्रॉप्स यानी कि टू नॉर्मल ड्रॉप्स आए थे, एक के अंदर थी ओग एक के अंदर थी ग्रोजा। फिलहाल अपनी व्हीकल लेकर रही होगा तो निकलते हुए, स्मोक कर लिया था उन्होंने पहले ही बचने के लिए, अभी के लिए पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। घुस राइडर की ओर से कवर फायर मिलता हुआ, दैट्स व्हाई यहाँ से टीम एच फोर के कबलेस पीछे की ओर जाता हुआ, रही होगा न्यू जोन बनेगा हमारा, जोन नंबर 3 हमारा बनेगा, लेट्स सी किस जानिब जोन जाता है। 8 टीम्स 26 प्लेयर्स इज स्टिल अलाइव। टीम फोनिक्स के प्लेयर्स पावर ग्रिड का एरिया वो एज ऑफ द जोन होल्ड करे हुए हैं, न्यू जोन हमारा बनेगा, लेट्स सी किस टीम्स को फेवर करता है, किन टीम्स को फेवर करता है। ये फेवर करेगा टीम वानम के एज को, और रो एंड रेडिकल डॉलर भी ऑलमोस्ट एज ऑफ द जोन ही है एंड वो भी एंट्री ले लेगी। बाकी टीम्स की बात करूँ तो एच फोर के अगली रोटेशन में निकलती हुई जोन के लिए, और सी एच बी 2.0 भी, सी एच बी भी और सी एच बी 2.0 भी दोनों ही टीम्स निकलना चाहेंगी। टीम फोनिक्स का रोटेशन यहाँ से आ चुका है, जोन का डैमेज बिल्कुल नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी लेना। थ्री टीम्स सॉरी थर्ड जोन हमारा बन चुका है हमारा, बाकी टीम जोन में आती हुई एक भी एक वैरम को जोड़ के वैसे तो कोई भी टीम जोन में नहीं है, लेकिन पहुंच जाएंगी दो टीम्स तो चार टीम्स तो इजीली पहुंच रही हैं अभी के लिए। फिलहाल तो एक थोड़ा लॉन्ग रोटेशन टीम सीएचबी और फोनिक्स का ही है। जी हाँ, हमेशा की तरह सी एच बी अपना एक फ्लेयर लेकर चलती है, और वह फ्लेयर जो है वो उनकी गन के लिए नहीं, एक BRDM के लिए होती है। जी हाँ भाई, इन्होंने सेनोक सेनोक में यूज़ करते थे, विकेंडी में यूज़ करते थे, रेंगल में यूज़ करते थे, बट अब मिरामर में भी इनकी BRDM नज़र आएगी आपको। जी हाँ, ऐसा कोई मैप नहीं छोड़ा, अगर मैं लिविक यहाँ पर लिविक स्कीम्स कर लें या कस्टम कर लें तो उसमें भी बस इनकी फ्लेयर अगर मिलती होती तो VRDM मंगा लेते, बट मिलती क्या है इन्हें तो भाई, ये ढूंढते ही नहीं है, ये लेके उतरते हैं। जी हाँ, एयर ड्रॉप नंबर 9 हमारा सॉरी 10 आता हुआ, मशीन गन लेवल 3 हेलमेट वेस्ट बैक पैक के साथ एयर ड्रॉप नंबर 10 आता हुआ। बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं वीकेंडी में, नॉर्मली मिलते हैं, लेकिन लास्ट टाइम भी हमारा मामन में काफ़ी एयर ड्रॉप्स थे, और आज भी यहाँ पर 10 एयर ड्रॉप बहुत होते हैं, 10 एयर ड्रॉप्स 8 टीम्स में, हर टीम के पास एक दो गन यहाँ पर ड्रॉप्स की नज़र आती हैं, और कुछ टीम के पास काफ़ी गन्स होती हैं कुछ के पास नहीं होती है। फिलहाल रेडिकल टारर की फाइट टीम रो के प्लेयर्स के साथ हो सकती है, 2v2 फाइट होगी ये, क्योंकि बाबा और हसान के सामने लव और रोकी ही है अभी के लिए, तो रोटेट कर रहे हैं वो दोनों ही प्लेयर्स लव एंड रॉकी, लेकिन रोटेट करते हुए वो जिस कंपाउंड पकड़ना चाहते थे वहाँ ऑलरेडी प्लेयर्स मौजूद हैं, दैट्स व्हाई वो अपनी मिराडो लेकर थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड जाते हुए
यहाँ से व्यू लेना चाहते हैं, ग्रोजा है लव के पास, ग्रोजा एंड एम फोर है, यहाँ से रोकी के पास है एम टू फोर एंड स्कारल। जी हाँ, लेकिन यहाँ से रेडिकल डाल के बाबा अपनी व्हीकल्स अंदर लगा चुके हैं, काफी सेफली व्हीकल अपनी पार्क करते हुए वो। लेकिन वैनम क्या गेट, जी हाँ गेट कीप के लिए तो बैठी हुई है, जोन में अंदर आने देगी नहीं आने देगी वो एक बात अलग है। जिस चीज़ की बात कर रहा था वही चीज़ करती हुई है, वैनम के प्लेयर्स से ऐसी सपोर्ट करते हुए टीम फोनिक्स के प्लेयर्स को। स्वास को यहाँ पे बग्गी के अंदर से डैमेज देंगे, काफ़ी अच्छा यहाँ रेड डॉट स्प्रे दिया, हाफ एचपी कर दिया यहाँ से वैनम के सहजी ने। ओम है उनके पास, यानी कि क्या नोक निकलता नजर आएगा सामने है यहाँ पर K9 के कार्नाडियर वर्सेस वैनम सहजी की। ओम फिलहाल एक अच्छी चिपका यहाँ से, पहले तो K9 उन्होंने वेनम से दी, अपने आप को यहाँ पर बूस्ट लगाते हुए। बैंडेजेस नहीं है, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, नॉर्मली प्लेयर्स के पास फस्टेजेस नहीं होती, इनके पास बैंडेजेस नहीं है। जी हाँ, 8 टीम्स 26 प्लेयर्स इस स्टिल अलाइव एंड जोन के अंदर की बात करो तो बोव आउट ऑफ द जोन है, टीम्स फोनिक्स आउट ऑफ द जोन है। रनिंग शॉट मारने का ट्राई वेनम सैजी की ओर से, स्प्रे देने के लिए M4 के साथ तैयार है, यहाँ से व्हीकल को देंगे स्प्रे, वेनम सैजी करेंगे जहर ओपी को नॉक, सुहास को भी हाफ एच पी कर दिया, यानी कि टीम फोनिक्स तो मुश्किल में फंस देगी यहाँ से। वैनम सैजी को नोक देंगे सुहास को, सामने इस बॉडी डे एक और प्लेयर लास्ट प्लेयर, और वैनम के सैजी ओम से शायद वो किल लेना चाहेंगे, या फोनिक्स होला जोन में रिवाइव देने का ट्राई करें, बट मेडबुल की पड़ेगी दूसरी साइड से। वैनम सैजी को नोक किया है, इंस्टेंटली फिनिश ऑफ डालने का ट्राई, बट 7 का यहाँ पर कवर फायर मिलेगा। टीम फोनिक्स का मेडबुल जोन से निकल चुका था, वही बीटी देता हुआ फ्लैक्स प्ले जोन से स्वास फिनिश ऑफ हो जाएंगे, और जहर ओपी को रिवाइव दे दिया गया होला की ओर से। बाकी लेके निकलेंगे वहां से वैनम सैजी का, यानी कि यहां से एक किल तो सैजी को मिल जाएगा, बट बाकी प्लेयर्स निकल जाएंगे। लेकिन निकलेंगे कहाँ आप, वहां से पीछे से आएंगे टीम सी एच बी, वेजिटो ओपी मेडल को नॉक करेंगे, इंस्टेंटली फिनिश ऑफ डालने के लिए क्लोज भी करते हुए। लेकिन दूसरी साइड से वैनम आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से जहर ओपी एंड होला जोन कवर करना चाहते थे, बग्गी उनका थोड़ा बीटी देती हुई, और शायद से होला यहाँ से जोन का काफ़ी डैमेज ले चुके हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जोन जाते तो एक बेहतर सिचुएशन होती, बट हीलिंग करके जोन जाना बेहतर, क्योंकि आगे भी टीम बॉब है, जिधर जाएंगे उधर फंसेंगे, अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ कॉल, टफ सिचुएशन में है यहाँ से टीम फोनिक्स के दोनों प्लेयर्स, क्योंकि स्वाद फिनिश हो चुके हैं। लेकिन सीम वैनम के साथ शायद से फाइटिंग है जो सकती है सी एच बी की, बिल्कुल वैनम साथ एम के लेके तैयार है, सी एच बी के प्लेयर्स काफ़ी क्लोज हैं, साथ के पास एम के गन स्विच करते हुए ओक पे आते हुए साथ, या मोली के साथ से ग्लिच कर रखा, मशीन गन लेके वैनम माइम चढ़ेंगे, तथा बिची को नॉक करेंगे, वो फर्कस नॉक करेंगे जहर ओपी को, वैनम माइम या नॉकआउट हो जाएंगे चिमटू ओपी की ओर से, इंस्टेंटली फिनिश ऑफ हो सकते थे, बट एक सही टाइम पे एक रिवाइव का हाथ लगा दिया। लेकिन एम के चलेगी वैनम साथ की, जो तथा बिची को किल करने में मशीन लगे जाएगी, यानी सी एच बी 3 मैन स्क्वाड होती हुई जोन जाना है टीम वैनम को, वैनम बिल्कुल गलती नहीं करेगी पीछे निकलती हुई, बॉब के प्लेस फर्कस फोनिक्स से ओला को फिनिश अप करेंगे, टीम फोनिक्स रेड एलिमिनेटेड, 17-21 प्लेस स्टिल अलाइव, जोन हमारा बन चुका है। टीम एच फोर के एक एज पे ग्रेवेट का मेन कंपाउंड, टीम सी एच बी 2.2 रेडिकल टारा उन कंपाउंड को पकड़ना चाहती है, टीम रो एक एज अब तो जोन है, रेडिकल डायर के प्लेस होल्ड कर रहे हैं, सॉरी क्लोज कर रहे हैं, वैनम के प्लेस निकलते हुए यहाँ से बग्गीज लेकर, अपनी बग्गी वगैरह गाड़ी लेकर, लेकिन सी एच बी भी बिल्कुल इस चीज़ को ही करती हुई, चिमटू ओपी के पास बी आर डी एम है, यहाँ पे एक प्लेयर्स की व्हीकल यहीं रह जाएगी, चिमटू ओपी बी आर डी एम कैरी करते नजर आएंगे, जोन में जाते हुए नजर आ रही है टीम बॉब के प्लेस की बात करो तो काफ़ी दूर से आ रहे हैं, वो भी जोन का डैमेज यहाँ पर थोड़ा सा पड़ेगा, बॉब का जामा गेट नॉक डाउन बाय प्ले जोन, एंड यहाँ फर्कस बचे हैं रिवाइव देने के लिए, और वो आप रिवाइव देने के चक्कर में आप भी यहाँ से जाएंगे। इस जोन में भाई कोई बीटी नहीं होता है, यहाँ कोई बच नहीं सकता, ये एक चीज़ लगा लो आप, बिल्कुल यहाँ से नहीं बच सकते, ऐसी बग्गी से ऐसा डैमेज लेकर बॉब के प्लेयर्स को, हजामों को काफ़ी हीलिंग शेयर हुई है, बट मेरे हिसाब से यहाँ बचना बहुत ज़्यादा नामुमकिन है, ऐसी बग्गी लेकर एक ही प्लेयर टूटा हुआ आगे वाला, ये भी एक सिचुएशन है, बट अगर यहाँ से कुछ भी बग्गी में गड़बड़ हुई तो टीम बॉब के दो प्लेयर्स तो यहाँ से जोन से जाएंगे। 17-21 प्लेयर से वैनम के सैजी यहाँ से नोक करेंगे, हसान को रेडिकल टायर के, हसान को नोक कर दिया, यानी कि रेडिकल टायर के बाबा इज द लास्ट मैन सर्वाइवल, 1v4 सिचुएशन में है वैनम के साथ, नॉट इजी फॉर रेडिकल टायर बाबा, या ओम है उनके पास, शायद ओम अटैक्स देना चाहेंगे, लेकिन वैनम माइम उनको सपोर्ट कर लेंगे, वैनम माइम की मशीन गन यहाँ आज जलवे दिखाती हुई, वैनम के पास 5 किल्स होते हुए 16-19 प्लेयर्स बचते हैं, टीम वैनम के पास 5 किल, 2 माइम के, 2 सैजी के और 1 साथ का। जी हाँ, फिलहाल तो जोन के अंदर टीम वो पहुंच चुकी है, वो के प्लेस पहुंच चुके हैं, एच फोर के से फिर से जोन कटता हुआ ग्रेवयार्ड का एरिया, कंपाउंड जो है वो सी एच बी
2 पॉइंट उन्हें होल्ड करे हुए हैं तीनों ही प्लेयर्स ने। क्या टीम CHBK प्लेयर्स तीनों भी वहाँ जाएंगे या नहीं अभी देखना होगा। फिलहाल तो एज पे शायद से BRDM ही मंगाई है टीम वेनम ने, जी नहीं बॉब के प्लेयर्स ने ये प्लेयर मारी है, उन्होंने मंगाई है BRDM, लेकिन वैनम से नोक करेंगे यहाँ से। बॉब के प्लेयर मर्सी को स्पॉट किया था, नोक करेंगे और जोन में जाने के लिए 1 मिनट है। क्या BRDM आ पाएगी उनकी जो उन्होंने मंगाई गई है उस टाइम तक। वैनम 40 मिनट दूर है जोन में, यानी कि जोन पकड़ना चाहेंगे इजी प्लेयर्स कुछ तो, क्लोज में ये ज़्यादा दूर है नहीं फिलहाल तो, 50 सेकेंड बाकी है। लेकिन वैनम से जी पूरा पीक लिए बैठे हुए हैं, बट उस पीक से कुछ स्पीक से कुछ होने नहीं वाला। लेकिन बॉब की कजामा यहाँ स्पॉटेड है, उनको भी यहाँ पड़ रही है, वनडे वनडे पड़ रही है। SKS शायद से नोक हो सकते हैं, बिल्कुल नोक होंगे वैनम महिम की SKS। जी हाँ बिल्कुल, रिच के अपर आके आप नोक होंगे, अपर आराम से स्पॉटेड है। रनवाई यहाँ पे कजामा को नोक किया है वैनम महिम ने, और फिनिश अप डालने का ट्राई शायद से अभी के लिए तो नहीं होगा। एंड बॉब के बाकी प्लेयर्स की बात करो तो एक जगह होल्ड करे हुए फरकर DSR के एंड मर्सी, शायद फरकर से रिस्क लेने वाले हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन जोन उनको भी जाना है 150 मीटर दूर होने, यानी कि कजामा का बचना तो नामुमकिन है। लेकिन यहाँ से बाकी प्लेयर्स की बात करो तो वो कैसे जोन निकलेंगे, यानी कि टीम वैनम उनको कैसे जोन आने देगी। या वैनम की बात कर रहा था, वैनम महिम यहाँ से जोन पकड़ते हुए एक जोन का अच्छा एरिया लेते हुए क्रैब ग्रैब यार्ड का ही वो एरिया उन्होंने पकड़ लिया टीम वैनम के प्लेयर्स ने। फिलहाल ड्रॉप की ओर जा रहे हैं, उसमें भी मशीन गन है, एयर ड्रॉप नंबर 11 में भी जोन ड्रॉप गन मशीन गन है। फिलहाल कजामा को नो करेंगे प्लेयर जोन से, प्लेयर जोन से किल लेंगे वैनम के सैजी, और वैनम सैजी एक ओम का फटका भी दे चुके हैं टीम बॉब के प्लेयर्स को, यानी कि बॉब की वीडियो दी है प्लेयर जोन से बॉब फरकस जाते हुए। लास्ट प्लेयर बचा हुआ है वो मर्सी, उसके ऊपर भी स्प्रे डाउन हो रहा है रेड, लेकिन वो आ रहा है अपना BRDM से क्योंकि तो काफ़ी लेट आ रही है। BRDM को पूरा डेस्ट्रॉय करने का ट्राई टीम वैनम की ओर से, मशीन गन का स्प्रे पड़ा है, लेकिन वैनम के सजी के ऊपर से पड़ेगी चांस। बॉब DSR के गेट फिनिश ऑफ बाय प्ले जोन, और बॉब मर्सी की BRDM ज़्यादा देर तक कैरी नहीं करेगी क्योंकि वैनम सजी है यहाँ पर उसका किल लेने के लिए। 5 टीम 15 प्लेयर्स बचते हैं, टीम रोकी यहाँ से नोक करेंगे M24 से CHBK को, लेकिन दो रोकी गेट नोक डाउन, टीम H4K का एलिमिनेशन हमें प्ले जोन से देखने को मिलता हुआ। पूरी टीम प्ले जोन से जाती हुई, आई डोंट नो कैसे, फिलहाल हैजक 5 पे रोरो की नोक हुए वेजिटो की ओर से, एक नोक उन्होंने भी दिया था टीम शायद से CHB 2.0 की ओर को दिया था वो नोक NYT को, लेकिन रोक इन नोक हुए हैं। रिवाइव होते नजर आएंगे कि नहीं वो अभी लव के ऊपर डिपेंड है क्योंकि टीम CHB बिल्कुल छोड़ नहीं रही है। लेकिन ग्रोजा यहाँ पर लव की बोलते हुए, ग्रोजा इस लव बोलते हुए एंड यहाँ लव एक नोक देते हुए ग्रोजा से, और शायद से रोकी को रिवाइव देने का ट्राई होने वाला है क्योंकि एक नोक दे दिया है स्लैमिंग तो टीम नहीं करने वाली। वेजिटोपी अभी भी नोक पड़े हुए हैं, पूर्व ओपी भी होल्ड करे हुए हैं, स्मोक कर रहे हैं पीछे से बचने का ट्राई। टीम वैनम थोड़ा क्लोज आती हुई, किल फील्ड रीडर यहाँ एट 4 टीम 12 प्लेयर्स इज स्टिल अलाइव, जिस 4 टीम्स में मौजूद है टीम CHB, टीम वैनम, टीम रू एंड टीम CHB 2.0। या ओवरऑल स्टैंडिंग तो मैं बोलना यही है CHB 2.0 ही यहाँ पे #1 दिखने वाली है, लेकिन वैनम सैजी का एक ओपी गिनेट जाएगा, चिमटू ओपी को नोक करके लेके जाएगा, और बाकी दो प्लेयर्स जो बच्चे हैं यानी कि वेजिटो ओपी जो रिवाइव हो गए हैं, अपू ओपी एंड वेजिटो, वैनम सैजी का एक और गिनेट आएगा, ओपी गिनेट ये भी गिरेगा वैनम सैजी का, पूर्व ओपी चला जाता है वैनम सैजी से भी, वैनम सैजी उसको भी स्पॉटेड कर चुका है, मोलो डोल जाएगा यहाँ से, पूरा का पूरा 1v3 नजर आता हुआ वैनम सैजी की ओर से। ओपी गेम प्ले बाय वैनम सैजी, टीम CHB का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। 3 टीम्स 9 प्लेयर्स बचे हुए हैं, 6 किल है वैनम सैजी के पास, 3 किल से माइम के पास, 2 किल से 7 के पास, गन का यहाँ पर किल नहीं है, लेकिन यहाँ MK की पड़ेगी वैनम माइम को, नोक हो जाएंगे वैनम माइम विद MK यूट्यूब फोनिस यानी कि CHB 2.0 की। लव एंड रोकी एक बिटी सिचुएशन टीम वैनम के लिए डाल सकती है, जस्ट उनके राइट हैंड साइड में बैठे हुए हैं, वैनम को उनकी ओर ध्यान देना होगा, लेकिन साथ का ध्यान थोड़ा लेट गया, दैट्स व्हाई यहाँ पर लव की गिरोजा चलेगी, नो करेंगे इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी डाल देंगे साथ को। जी हाँ बिल्कुल इंस्टेंटली फिनिश ऑफ डालेंगे, वैनम सैजी रोकी को नो कर रहे थे बट लव उनको नो करेंगे, इंस्टेंटली फिनिश ऑफ लव की ओर से यहाँ आता हुआ, बट कवर फायर अभी के लिए दिया जा रहा है, वो कवर फायर कितनी देर तक मिलेगा, रोल अप का कवर फायर मिल गया, सैजी को हाथ लग चुका है वैनम माइम का। 13 किल टीम वैनम के पास होते हुए टीम CHB 2.0, 3 मैन स्क्वाड बचेगी और टीम वैनम भी। लास्ट HP पे यहाँ पर टच कर लिया गया वैनम सैजी को, दैट्स वाई यहाँ पे जोन पहले ही पकड़ने की ट्राई करते हुए टीम CHB 2.0 के प्लेयर्स, टीम वैनम भी एक जोन में अच्छी बैठी हुई है, वैनम सैजी हील करेंगे अपने आपको। 13 किल टीम वैनम के पास है, SC लोबी में 13 किल्स बहुत अच्छी तरीके से वैनम सैजी का गेम प्ले, यहाँ पे 7 किल्स उनके पास है, 4 है माइम के पास,
11 एंड 2 साथ के पास हैं। और बाकी बात करो सीएसबी 2.0 के प्लेयर्स की, तो उनके पास भी 4 किल्स हैं। और लास्ट जोन में टॉप 2 टीम्स में वो नज़र आ रही हैं। यहाँ से रेडिकल यहाँ वानम अगर चिकन लेती है तो पहली चिकन होगा उनका इस हफ्ते के T2 का, सीएसबी 2.0 का दूसरा होगा अगर ये चिकन लेती है तो। 2 टीम 6 प्लेयर्स बचे हुए हैं हमारे, जिसमें से टीम वानम के 3 प्लेयर्स, टीम सीएचबी 2.0 के 3 प्लेयर्स। नेडों की बरसात दोनों ही टीम्स की ओर से चलती हुई, ये नेड वो नेड, ये नेड वो नेड, भाई कभी ये नेड डाल रहे हैं कभी वो नेड डाल रहे हैं, नेड चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। वैनम फिजान यहाँ से अभी के लिए होल्ड करे बैठे हुए, ग्रोजा है उनके पास नेट से, वो भी ट्राई करते हुए नोक निकालने का। फिलहाल यहाँ नेट जाता हुआ एक बत्ती, यहाँ प्लेयर्स है नहीं, सेवेशन वाइटी पीछे की ओर है। 7 जोन हमारा क्लोज हो रहा है, यानी कि न्यू जोन हमें 8th जोन देखने को मिलेगा, उसके बाद 10th जोन होगा। दैट्स वाई लेट्स सी यहाँ पे किस प्लेयर, किस टीम को, किस प्लेयर को फेवर करता है जोन। या जोन के अंदर ही बात करो तो एच पे बैठी हुई टीम मैडम, शायद से उनके ऊपर से जोन कट जाए क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जो जोन उनके ऊपर बता। वैनम सैज ही ग्रेनेड को कर चुके हैं, एक कुक ग्रेनेड वैनम सैज की ओर से आता हुआ यूटोफोनिक्स की ओर, काफ़ी अच्छा ग्रेनेड था ये वैनम की सैजी का। दैट्स वाई यहाँ पर टीम वैनम के प्लेयर्स अभी के लिए जोन बन चुका है, तो जोन इंस्टेंटली कवर करते हुए, लेकिन सैन वाइटी नोक निकाल चुके हैं सैजी को। और यहाँ से वैनम फैजान इंस्टेंटली रिवाइव दे रहे हैं, वैनम माहिम यहाँ से नोक निकालेंगे मशीन गन के साथ, वैनम फैजान रिवाइव देते हुए और वो रिवाइव छोड़ना पड़ेगा। 1v2 सिचुएशन है, गिरोजा के साथ नोक निकालने का ट्राई बट नहीं कर पाएंगे। सी एच बी 2.0 गेट अ चिकन डिनर विद 7 किल्स। सेकंड पोजीशन पर टीम वैनम आती हुई विद 13 किल्स, थर्ड पोजीशन पर टीम रो आती हुई विद 5 किल, टीम सी एच बी 2.0 आती हुई 1 किल्स के साथ, फोर्थ पोजीशन एंड टीम एच4 की आती हुई 0 किल्स के साथ, फिफ्थ पोजीशन टीम वो आती हुई देन टीम रेडिकल टारन एंड ऑल।